आज मानव जात के सामने अनेक चुनौतियां हैं। हम कई वर्षों से सुन रहे हैं 21वीं सदी एशिया की सदी, और 21वीं सदी एशिया की सदी बने इसके लिए हर प्रकार की संभावनाएं हैं, हर प्रकार की शक्तियां मौजूद है, और सारे अवसर साफ साफ नजर आ रहे हैं। एशिया के सभी देश 21वीं सदी एशिया की बने, हर देश अपना योगदान देने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन एक देश एशिया में ऐसा है जो 21वीं सदी एशिया की न बने, पूरा एशिया रक्त रंजित हो, पूरा एशिया आतंकवाद की चपेट में आ जाए, खून खराबा हो, निर्दोष लोग मौत के घाट उतार दिए जाए, उसके षड्यंत्र करने में पूरी तरह लगा हुआ है। एशिया के अंदर जहां जहां आतंकवाद की घटनाएं घट रही हैं, हर देश एक ही देश को गुनहगार मानता है। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, यही एक देश है जो चारों तरफ आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है। अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अड़ोस पड़ोस के और देश हो, सब दूर। और आपने देखा होगा दुनिया में जब भी आतंकवाद की घटनाओं की खबर आती है तो थोड़े दिन में यह भी खबर आती है कि आतंकवादी या तो इस देश से गया था, या तो आतंकवादी घटना करने के बाद ओसामा बिन लादिन की तरह उस देश में आकर के बसा था, वही उसका आश्रय स्थान बना था। भाइयों बहनों, आतंकवाद कैसा होता है ये केरल के लोग भली भांति जानते हैं। हमारी केरल की बेटियों को आतंकवादी उठा करके ले गए थे, नर्सिंग का काम करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए। खाड़ी के देशों में हमारी केरल की बेटियां सेवा भाव से काम कर रही थी, आतंकवादी उठा करके ले गए, पूरा हिंदुस्तान बेचैन हो गया था, हमारी बेटियों को हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, उनके जीवन का क्या होगा, वो जिंदा बचेगी कि नहीं बचेगी, उनके मां बाप को हम क्या जवाब दे पाएंगे, चारों तरफ चिंता का माहौल था। लेकिन पूरा केरल उसने देखा कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार इतनी चौकन्नी थी, भरसक प्रयास किया, डिप्लोमेटिक प्रयास किया, और मेरी केरल की उन बिटियों को सही सलामत उनके घर तक हमने पहुंचा दिया। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है, पूरे विश्व की मानव जात को मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। और आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है, न हिंदुस्तान झुकेगा, आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। भाइयों बहनों, इन दिनों पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है। जम्मू कश्मीर में, उरी में, हमारे पड़ोसी देश ने जो एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश
इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिछले कुछ महीनों में 17 बार ये पड़ोसी देश ने जो टेररिस्ट एक्सपोर्ट किए थे, 17 बार अलग अलग गुट, कभी 4 की संख्या में, कभी 6 की संख्या में सीमा पार करके इन फिदायीन हमलावरों ने इसको तहस नहस देश को करने का प्रयास किया। लेकिन हमारी सेना, जाबाज सेना ने पिछले कुछ ही महीनों में इन 17 प्रयासों को विफल किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही इन फिदायीन हमलावरों को मौत के घाट उतार दिया। पिछले कई वर्षों में इतने कम समय में सबसे ज्यादा 110 से भी ज्यादा आतंकवादियों को हमारी सेना के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। इन संभावित 17 भयंकर घटनाओं से देश को बचाने का महान काम हमारे देश के जाबाज जवानों ने किया, सुरक्षा बलों ने किया, सीना तान करके लड़ाइयां लड़ी और देश के सामान्य मानवी को रक्षा देने के लिए वो लड़ते रहे, वे सदा सर्वदा जागते रहे और हमें 125 करोड़ देशवासियों को हमारी सेना पर नाज है, हमारी सेना पर हमें गर्व है, उनकी वीरता पर गर्व है, उनके पराक्रम पर गर्व है, उनके बलिदान की गाथाओं पर गर्व है। आप कल्पना कर सकते हैं, पड़ोसी देश एक घटना में सफल हुआ और हमारे 18 वीरों को बलि होना पड़ा। अगर इन 17 घटनाओं में अगर वो सफल हुए होते तो देश को कितना तबाह कर देते, इसका आप अंदाज कर सकते हो। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे सेना के जवान, हमारे सुरक्षा बलों के जवान, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की पुलिस हो, जितने भी हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, वो इस लड़ाई को जीतते चले गए हैं। इसका कारण सिर्फ शस्त्र नहीं होते हैं, जवानों के लिए शस्त्र तो खिलौना होता है, लेकिन जवानों की शक्ति देश का मनोबल होता है। आज हिंदुस्तान का मनोबल सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद हौसला है और देश के लिए, देश के जवानों के लिए, भारत के 125 करोड़ देशवासियों का यह मनोबल, यही हमारी ताकत है और यही हमारे सैन्य का सामर्थ्य है। पड़ोस के देश के नेता, उनके हुक्मरान कहा करते थे, 1000 साल लड़ेंगे, काल के भीतर कहां खो गए, कहीं नजर नहीं आते हैं। और आज के हुक्मरान आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़कर के कश्मीर के गीत गा रहे हैं। मैं आज यहां से सीधा सीधा पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं, उन हुक्मरानों से जो आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ते हैं।
दुनिया को उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन मैं आज यहां से पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान की आवाम को याद दिलाना चाहता हूं कि 1947 के पहले आपके पूर्वज भी इसी संयुक्त हिंदुस्तान की धरती को प्रणाम करते थे, इसी को अपनी मिट्टी मानते थे और उस हिसाब से आपके उन पूर्वजों की याद दिलाते हुए मैं आज आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगित को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए, क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं, क्या कारण है? पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान हजार साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। पाकिस्तान के नौजवान, आओ लड़ाई लड़े, पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है। आओ बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। मैं पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं, आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े, पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। हिंदुस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं, पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की, आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाएं, देखें कौन जीतता है। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश का भविष्य
शांति एकता सद्भावना से जुड़ा हुआ है। देश का जवान तब जीतता है जब हम कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े रहते हैं, एक स्वर से बोलते हैं, एक ही संकल्प को लेकर के चलते हैं। आज 125 करोड़ देशवासी उस देशभक्ति के ज्वार से भरे हुए हैं। आज 125 करोड़ देशवासी भारत की आन बान शान के लिए हर कीमत देने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं भारत के उज्जवल भविष्य को देख रहा हूं, भारत में सुख चैन की जिंदगी देख रहा हूं, और उसके लिए हम सब मिलकर के सफल होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।